हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे पास रियलमी की तरफ से C53 और ये 10,000 के रेंज में फ़ोन आता है। 108 मेगापिक्सल का इसके अंदर कैमरा आता है। तो ये हमें बाय करना चाहिए नहीं बाय करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मेरा नाम है फैज और मेरे चैनल का नाम है अनबॉक्स वायर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए हम पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या कॉन्टेंट हमें देखने को मिलता है। तो बॉक्स में कुछ C53 ऐसे करके और नीचे रियलमी ऐसे करके लिखा हुआ आ रहा है। बाकी इधर भी रियलमी की ब्रांडिंग है और बाकी जो है इधर थोड़ा हाईलाइट फीचर जो है दे रखा है कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसके बाद 80 वॉट का इसके साथ चार्जर है और बाकी चीजें जो है 5000 एमएच की बैटरी है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो चलिए हम इसका अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके से जो है ये ओपन होता है और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेयर टू लीप। ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में। और पीछे जो है इसको हम ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें मिलता है। तो यह इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मिलता है हमें कुछ मैनुअल बुक और यहाँ पे जो है एक मिलता है केस। मुझे केस इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जितने भी फोन आते हैं उसके अंदर जो है ये ट्रांसपेरेंट आता है, लेकिन ये स्मोकी जो है ये काफी अच्छा एक जो है प्रीमियम लुक जो है ये दे रहा है। तो इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद ये रहा हमारे पास फोन। इसके बाद दूसरे कंपार्टमेंट में देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे जो है ये 18 वॉट का जो है चार्जर ये रखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे टाइप सी टू टाइप ए कनेक्टर है। तो ये अच्छी बात है कि 10,000 के रेंज में जो फोन आ रहा है इसके साथ जो है टाइप सी दिया जा रहा है, तो ये काफी अच्छा है। तो अब फोन जो है हम उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद फोन का जो है लुक वो देखते हैं कि फोन का लुक जो है वो कैसा है। तो फोन का जो लुक है वो काफी अच्छा है, एक प्रीमियम लुक जो आ रहा है यहाँ पे रियलमी की ब्रांडिंग यहाँ पे दे रखा है। तो ये जो है देखने में कुछ प्रीमियम जो है यहाँ पे से लगता है और ये 3 कैमरे का जो सेटअप है ये एप्पल का फील दिला रहा है। अब हम इसके अंदर अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसके अंदर जो है फ्रंट में ग्लास दिया हुआ है और बैक में जो है प्लास्टिक है, उसका जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का ही है। पोर्ट्स एंड बटन की बात करें तो यहाँ पे ऑन ऑफ का जो है बटन है और इसी के अंदर जो है फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है। यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन का बटन दे रखा है, ऊपर में कुछ भी नहीं है, एज इट इज प्लेन है। और उसके बाद साइड में जो है ये सिम ट्रे का है यहाँ पे दिया हुआ और नीचे में बात करें तो यहाँ पे 3.5 mm जैक का दे रखा है। यहाँ पे ये माइक है और ये टाइप सी कनेक्टर और ये रहा सिंगल स्पीकर। तो ये चीजें हैं बस। अब इसके अंदर जो है हम सिम निकाल के देख लेते हैं इसके अंदर इसमें कैसा जो है स्लॉट दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो है आप 2 सिम लगा पाएंगे और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे और मेमोरी कार्ड जो है वो 2 TB तक जो है इसको एक्सपेंड कर पाएंगे। अब इसके साथ जो केस आया है हम उसको लगा के देख लेते हैं कि इसके अंदर जो है लुक कैसा आ रहा है। तो ये लगाने के बाद जो है इसका लुक जो है एक आईफोन की तरह जो है आपको देखने को मिल जाएगा और ये 10,000 के रेंज में फोन आता है और लुक में सच में काफी प्यारा जो है ये लगता है देखने में। अब इसके अंदर अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर 6.7 इंच का HD+ IPS LCD आता है जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 560 इसका नीट पिक ब्राइटनेस है तो ये काफी अच्छा है। डिस्प्ले जो है ओके है क्योंकि 10,000 के रेंज में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। बाकी लुक वाइज में जो है डिस्प्ले काफी अच्छा है और साइज जो है डिस्प्ले का काफी बड़ा है। अब हम अगर इसके अंदर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो प्रोसेसर आता है वो आता है यूनिसॉक का Tiger T612 जो 12 नैनोमीटर बेस पे है और 1.8 GHz तक क्लॉक है और 8 कोर्स है इसके अंदर। रैम की बात करें तो इसके अंदर 2 वेरिएंट आते हैं, 4GB और 6GB और वर्चुअल रैम जो है आप 6GB जो है और कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो रैम आता है वो आता है LPDDR4X। स्टोरेज की बात करें तो 64GB और 128GB आता है, eMMC 5.1 आता है। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी आती है, उसके साथ 18 वाट का फास्ट चार्जर आता है। OS की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड 13 है और 1 ईयर का आपका एंड्रॉयड अपडेट आ जाएगा, उसके बाद 2 ईयर का जो है इसके अंदर सिक्योरिटी अपडेट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है एंड्रॉयड 13 अभी रन कर रहा है, एंड्रॉयड 14 जो है इसके अंदर आ जाएगा कुछ जब अपडेट आएंगे उसके बाद। यहाँ पे मैं एक चीज जो है बताना आपको भूल गया हूँ कि यहाँ पे अगर आप 6GB रैम के साथ जाते हैं तो यहाँ पे जो है एक ट्विस्ट है कि अगर 6GB रैम लेते हैं तो आपको 64GB स्टोरेज ही मिलेगा और अगर 4GB रैम लेते हैं तो यहाँ पे आपको 128GB जो है स्टोरेज जो है मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन पता नहीं किस तरीके से किया हुआ है, कुछ पता नहीं है, लेकिन यही चीजें जो है जब आप बाय करने जाएंगे तो। अब हम अगर इसके अंदर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे जब हमने अंतुतु रन करके देखा तो यहाँ पे 2.5 लाख के करीब जो है इसका अंतुतु स्कोर आ रहा है और यहीं पे जब हमने इसका रीड एंड राइट का स्पीड चेक करके देखा तो यहाँ पे देखिए रीड का स्पीड जो है 306 MB/s आया और यही राइट स्पीड जो आ रही है वो
236 MB पर सेकेंड यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जब हमने सीपीयू थ्रोटल करके देखा तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे कहीं पे भी जो है इसका ग्राफ डाउन नहीं है, बिल्कुल एज इट इज सेम जो है इसके अंदर चल रहा है। तो ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे सीपीयू थ्रोटल जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर बेंच मार्क की बात करें तो यहाँ पे बेंच मार्क 6 हमने रन करके देखा, यहाँ पे जो सिंगल कोर है उसके अंदर 418 आ रहा है और मल्टी कोर में 1486 जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 10,000 के रेंज में इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अब हम अगर इसके अंदर वीडियो की क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी जो है आप यूट्यूब पे 1080p तक जो है यहाँ पे देख पाएंगे, लेकिन कभी कभी जो है ना ये स्विच हो जाता है 720 पे। तो यहाँ पे 720 और 1080p जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी डिस्प्ले जो है ओके है, बहुत ज्यादा जो है अच्छा नहीं है। 10,000 के रेंज के हिसाब से जो है डिस्प्ले ओके है। अब इसके अंदर ऑडियो की क्वालिटी की बात करें तो इसके अंदर एक चीज अच्छा है कि यहाँ पे जो है बूस्ट कर रखा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि 150 जो है या 150 तक जो है इसका वॉल्यूम चला जाता है। ऐसे तो नॉर्मल में 100% जाता है, लेकिन यहाँ पे 150 तक जो है वॉल्यूम चला जाता है। मैं आपको इसकी साउंड की क्वालिटी जो है वो सुना देता हूँ कि कैसी क्वालिटी जो है इसकी आती है। तो इसके जो है साउंड की क्वालिटी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन 10,000 के रेंज में ठीक है। इससे और बेटर जो है और दूसरी कंपनी दे सकती है, लेकिन इसके अंदर जो है बस ओके है। ये सिंगल स्पीकर दिया हुआ है और 150 इसका जो है बूस्ट कर रखा है। जैसे कि आप VLC प्लेयर चलाते हैं उसके अंदर ऐसे होता है ना कि बूस्ट कर लेते हैं आपके, आप 200 तक जा सकते हैं, तो ऐसे ही इसके अंदर जो है 115 तक जो है 50 तक जो है कर रखा है। तो यहाँ पे साउंड की क्वालिटी जो है थोड़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसमें अगर हम गेम की बात करें तो यहाँ पे जो है आप मीडियम टू हाई जो है कॉल ऑफ ड्यूटी पे खेल पाएंगे और इसमें जो है हीट जो है हमें देखने को मिल जाता है, थोड़ा हीट जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पे जो है अगर इसके अंदर गेमिंग की बात करें तो इसके अंदर जो है हमने कॉल ऑफ ड्यूटी और एसपेड लाइन दोनों जो है प्ले करके देखा। एसपेड लाइन जो है काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन वही जो है स्मूथनेस जो आप अगर ढूंढेंगे इसके अंदर तो वो आपको नहीं मिलेगा। यही चीज कॉल ऑफ ड्यूटी में भी है। कॉल ऑफ ड्यूटी में अगर इसके अंदर ग्राफिक की बात करें तो इसके अंदर ग्राफिक जो है आप मीडियम टू हाई पे जो है इस पे खेल पाएंगे, इससे ज्यादा जो है इस पे ऑप्शन आता नहीं है। आप लो टू मीडियम पे अगर खेलेंगे तो कुछ थोड़ा ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मीडियम टू हाई जो है इनका हाई है, इससे ज्यादा जो है ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो गेम में ठीक ठाक है, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं बोल सकते। 10,000 के रेंज में अगर फोन आप ले रहे हैं तो ओके है। इसके अंदर जो है ऑल सेंसर इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर जो है ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और बहुत अच्छे से जो है ये काम करता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे से जो है ये वर्क करता है। इसके अंदर फेस अनलॉक भी कर सकता है उसके साथ भी है और इसके अंदर जो है जो पैटर्न आते हैं उसके साथ भी इसको आप ओपन कर पाएंगे। अब अगर इसके अंदर कैमरे की बात करें तो इसके अंदर जो मेन कैमरा है वो 108 MP का कैमरा है। उसके बाद दूसरा जो कैमरा है वो ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा एक दे रखा है, सेंसर दे रखा है, वहां पे मेंशन नहीं है कि कितने मेगापिक्सल का है। उसके बाद तीसरा जो है ये कैमरा नहीं है, ये है फ्लैशलाइट। ये फ्लैशलाइट जो है दे रखा है और आप 108 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ जो है आप 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में जो है 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जिसके साथ 720 30fps तक जो है आप इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसमें मेन कैमरा जो 108 मेगापिक्सल का है उसकी फोटोज की क्वालिटी जो है काफी अच्छी आती है और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे एक्यूरेट कलर आता है। यहाँ पे कहीं भी कलर जो है बूस्ट नहीं है या कहीं पे फेड नहीं है, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे फेस का कलर भी बिल्कुल एक्यूरेट जो था वैसा ही आ रहा है। यहाँ पे पोर्ट्रेट की बात करें तो कहीं कहीं पे पोर्ट्रेट जो है अच्छा आता है, लेकिन हर जगह ये जो है पोर्ट्रेट इतना अच्छा नहीं है इसका। नाइट मोड की बात करें तो नाइट मोड में बिल्कुल नहीं आता। अगर आउटडोर में क्लिक करते हैं तो बहुत बेकार आती, इंडोर में जो है अच्छी आती है, इंडोर की क्वालिटी जो है अच्छी है। यहाँ पे 1080 पिक्सल जो है इसके अंदर जो है वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30fps पे, उसकी क्वालिटी जो है अच्छी है डायरेक्ट सनलाइट के अंदर आप जो है करते। तो सबसे अच्छा इसके अंदर मुझे लगा जो स्लो मो है वो काफी अच्छा है, बिल्कुल एकदम स्मूथ जो है इसके अंदर जो है स्लो मोशन आप करेंगे तो वहां पे बिल्कुल स्मूथ जो है वो वर्क होता है, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। अब अगर इसके अंदर कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर ड्यूअल 4G इसके अंदर लगता है, 5G का ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। उसके बाद ब्लूटूथ 5 है और वाईफाई जो है वो 5 है। तो इसके अंदर क्या है कि एक चीज अच्छी है कि जो वाईफाई के दो आते हैं ना 2.4 GHz और 5 GHz दोनों के
साथ जो है आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो वहां पे 5 गीगाहर्ट्ज में आपको स्पीड जो है काफी अच्छा इसके अंदर देखने को मिलेगा और 3.5 एमएम जैक भी इसके अंदर जो है वो दिया हुआ है, तो ये काफी अच्छी बात है। इसके अंदर जो है एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो यहाँ पे जो है एक उसके अंदर आईफोन के अंदर जो एक आता था डायनेमिक आईलैंड, वो ऐसा ही यहाँ पे मिनी कैप्सूल करके जो है इसके अंदर दिया हुआ है और ये जो है कुछ चीजों पे काम करता है। वो काम कैसे करता है कि बैटरी स्टेटस जो है वो आपको दिखाएगा जब लो हो जाएगा तो, और यहाँ पे डाटा यूजेज जो है वो दिखाएगा यहाँ पे, और तीसरा जब स्टेप आप चलेंगे वो चीजें जो है यहाँ पे एक इस तरीके से कैप्सूल बन के आएगा और वहां पे आपको दिखाएगा कि लो बैटरी है या ऐसा कुछ है। ये सारी चीज जो है यहाँ पे मिनी कैप्सूल की तरह यहाँ पे आएगा और वो आपको आईफोन का जो है एक जो है फीचर जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। अब इस फोन के कंक्लूजन की बात करें कि हमें ये बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए, तो इसके अंदर जो है सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो है इसका डिस्प्ले। इसका जो है 6.7 इंच का जो डिस्प्ले है वो काफी अच्छा है और इसका ब्राइटनेस जो है वो भी अच्छा है। तो यहाँ पे डिस्प्ले अच्छा है और दूसरा जो इसका कैमरा है वो अच्छा है, दोनों चीज जो है वो काफी अच्छी है क्योंकि 10,000 के रेंज में इतनी बड़ी आपको डिस्प्ले मिल रही है। और दूसरा जो है कैमरा 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है जिसकी फोटोज की क्वालिटी सच में काफी अच्छी है और वहां पे एक्यूरेट कलर जो है हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दो चीजें जो है काफी अच्छी है और इसके अंदर जो है जब भी आप एक जो ऐसा रेंज में फोन देखते हैं जो 10,000 के अंदर में आता हो उसमें यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट के लिए जो है यहाँ पे ये बटन में नहीं होता, ये ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे बैक में होता है जो एक अच्छा प्रीमियम लुक जो है नहीं देता, ये यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे ऑन ऑफ बटन के अंदर ही इसके अंदर जो है फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है, तो ये काफी अच्छा है, एक इस फोन को एक जो है प्रीमियम लुक देता है। और उसके बाद जो है बाकी इसके अंदर और चीजें जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, एक चीज और अच्छी है वो ये है कि इसके अंदर 6GB रैम है जिससे आपको हैंग की प्रॉब्लम इसके अंदर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 10,000 के रेंज में जो भी फोन आता है उसका जो रैम होता है वो 2GB होता है नहीं तो 4GB होता है, लेकिन वो हैंग करता है। अभी के लिए आपको कम से कम 6GB रैम का आपको फोन चाहिए होगा क्योंकि जो भी ऐप आते हैं वो बहुत सारा रैम जो है कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे रैम के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये फोन जो है काफी अच्छा है। तो यहाँ पे एक और वेरिएंट है 4 और 128 GB, उसके साथ आप बिल्कुल भी नहीं जाएं, 6 64 GB जाएं और इसके अंदर 6GB रैम जो वर्चुअल है वो भी आप इसके अंदर एक्सटेंड कर पाएंगे। और एक चीज मैं कहना भूल गया हूँ, इसके अंदर जो दूसरा कैमरा दिया हुआ है एक तो है 108 मेगापिक्सल का, दूसरा जो कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का, ठीक है, तो ये मैं कहना भूल गया था वीडियो में, तो ये चीज जो अभी याद आई तो मैंने बता दिया है। और उसके बाद इसमें खराबी क्या है, खराबी ये चीज है इसके अंदर जो खराब चीज जो है वो ये है कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से आप जो है और भी अगर फोन अगर देखेंगे तो उसमें प्रोसेसर जो है थोड़ा अच्छा इसके अंदर देखने को मिल जाएगा उस फोनों में, क्योंकि इसके अंदर 12 नैनोमीटर का जो है प्रोसेसर है तो उसमें क्या होगा आपको बैटरी जो ड्रेन है वो थोड़ा फास्ट होगा, बस यही चीजें होंगी, बाकी इसमें और भी कोई चीज ऐसा कुछ नहीं है जो बताया जा सके, क्योंकि 10,000 के रेंज में फोन आता है आप इससे और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। तो अगर आपको बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाके बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।